वाजिबुल उहतराम जनाब सदर गिरामी कदर मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल अब्दुलकरीम साहेब मुद्दिलह आली शरफाए प्रोग्राम बुज़र्गों दोस्तों अजीज़ों अल्लाह ताला सब हजरात दी इस दीनी प्रोग्राम के अंदर हाज़िरी मंजूर ते मकबूल फरमावे ने मोहतरम अल्लाह पाक दी साढ़े उत्ते बड़ी मेहरबानी है बड़ी इनायत है बादशाह ने बेशुमार तो नेमतं मे को अदा कितिया हर नेमत बेहतरीन हर नेमत अजीम तरीन कहीं नेमत दा का अस सही शुक्रिया ना अदा कर सकते लेकिन साढ़े पास दू नियमत बहुत कीमती हैं बड़िया अजीम हैं एक दिन आए जान बी दिन आए माल नेमत वे दू नेमता वजह नेमता जान वाली नेमत माल वाली नेमत अल्लाह सा कदरदानी की तोहफी कदा करे जान भी बड़ी कीमती है माल भी बड़ा कीमती है हर बंदे को जान भी प्यारी है हर बंदे को माल भी प्यारा है माल इस्तेमाल फरमाओ माल दा नफ़ा हासिल करो जान इस्तेमाल फरमाओ अपनी जान कने मुनाफे हासिल करो नाल, नाल रब का शुक्र अदा करो शुक्र अदा कई करूरत हैं एहे जो बंदा जुबान ना लाखे अल्लाह शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह तेरा शुक्रे ये भी अच्छी सूरत है लेकिन इंक ज़्यादा जामे ते बेहतरीन सूरत यह है कि बंदा जान को ऊँ इस्तेमाल करे जिमें खुदा फरमावे माल को ऊँ इस्तेमाल फरमावे जिमें खुदा फरमावे युकराने का अमली तरीका है जान अल्लाह दी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल थी वे माल रब दी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल थी वे उन मर्जी के खिलाफ ना जान इस्तेमाल थी वे उन्हदी मर्जी के ख़िलाफ़ ना माल इस्तेमाल थी वे अजकल सारी जान जानते सा माल ज़्यादा अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल थी ना पे हर मर्द हर औरत हर छोटा हर बड़ा हर अमीर हर गरीब अरबिए अजमीए जड़ी कौम जड़े कबीले नाल ताल्लुक़ रखते वसाइल थोड़े हैं ज़्यादा हर बंदा दुनिया की मेहनत के अंदर मुस्तक के हर बंदा दे पैसा आवे दौलत आवे माल आवे हलाल आवे या हराम आवे बहरहाल माल आवे बंदा जान खपें दे दुनिया की इज्जत वास्ते खपें दे जान इस्तेमाल करें दे दौलत हसूल वास्ते करें दे हलाल हराम दा इम्तियाज़ नहीं करें मेरे प्यारे दोस्तों ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज़ाए चंद दिन जहाँ ए अमानताे पास हैं चंद दिन तो बाद बाद हर मालिक दो लगी वेसि जिरे बादशाह सको जिसम ताकी जिरे जिर बादशाह सको माल ताकी जिरे जिर बादशाह ने दुनिया जहाँ नेमतान हर शह अस करें वापस गिन गिन सी बल्कि जरे जरे का हिसाब सी माल किथो आया जायदाद किथो आई जमीना किथो आया माल मवेशी क आए सोना चांदी किथो आया जान त्वकू तो की थी, जिंदगी तोकू कया की थी। नबी अलम द मशहूर इर्शा दे गिरामीए अक्सर ओलमा सुन दे रहते हो मै दान क्यामत के अंदर आदम के बच्चे को कदम हिलावण की इजाज़त न मिल सी। ला तजूलो कदम अपने आदम यौमल कियामत हत्ता युस अलअम सि आदम का बेटा कदम ना हला पहले पंच चीज़ें मैं गुस्सा जवाब दे जनाबे इमाम अल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहला पहला सवाल थी सी अनमरे ही فيما अपना जिंदगी के मुतलक दस चालीस साल जिंदगी पजा साल जिंदगी सत्तर साल जिंदगी अस्सी साल जिंदगी किड़े मोड़ से खत्म कर आई वो अनशबा भी फीमा अबला जवानी का हाल बयान कर सेहत द हाल बयान कर ताकत का हाल बयान कर जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा मैं तक जवानी की शक्ल अता त जवानी दुनिया केम से ख़त्म कर दीती दुनिया के उसूल से खर्च कीती जमीन के हसूल से खर्च की सोने चांदी के हसूल से खर्च इतारी मिमरी के हसून से खर्च की जवानी दुनिया के कमे से लेना रह गई या चोरिया डकेटियां करें ना रह गई लोग इज्त बर्बाद करें ना रह गई या मेरे दीन का झंडा भी चाहना रह गई हर बंदा इन्हें जवानों सवालों के जवाब सोच के जुले असब बहु गफलत जिंदगी पे गुजरे हैं और जिंदगी दे जवानी का अरसा होते यह ज्यादा गफलत गुजरते ताकत होती है उसनों जमाल होंदे, खून गर्म होंदे, दिमाग तेज़ चलते बाजू कु कुवत ज़्यादा होती है उठन बाहन की हिम्मत ज़्यादा है, हों बाल नहीं सुनता प्यू मा दख्या भी लोग नहीं मने दे उसताद की गल की परवाह नहीं करेंगे कोई वड़ा समझावे वड़े दी गल ई उम्र समझ भी नहीं आँगी जो जज्बात जज्बात होवाहिशात हो जाएँ शहावतंता हो बंदे कोई उम्र अंदर गल समझ नहीं आँगी इस वास्ते बंदा अक्सर जिंदगी गुजार कर, कर दे अक्सर जवान नमाज़ नहीं पढ़ते अक्सर जवान दाढ़ी नहीं रखें दे अक्सर जवान मस्जिद नहीं आदे अक्सर नौजवान दीन दम नहीं करें दे अक्सर नौजवान कुरान की तिलावत नहीं करें दें इलामर रहमल कोई खुशकिस्मत बंदा चंगे घर का होवे दीनी माहौल द होवे तो उमता नसीब थी पवेन दीन वाली रगबत मिल वंजे तो खुशकिस्मत बना है अक्सर जवानी दी जिंदगी बंदे बंद जी वी है बंदा लाहौो लाह मुबतला रहाँ और जिंदगी दा अरसा खत्म थी गया चोरी चिकारी की की कीती की थी किती कहीं परवाह न की थी कहीं दा आख्या न मैं आबाले साले न खीते बल्कि जवानी के बंदे कने गुनाह ज्यादा नन बेहजाई ज्यादा थी इस तर्बाद लोग या करेंदा रही वेंदे एक कोई परवाह नहीं थी एक लिहाज नहीं थी दा थ उम्र चल समझ नहीं आँगी दोस्तों जवानी के बारे ख़ास हिस्सा सवाल थी वने में नबी अलैहिस्सलाम सलाम फरमाए माल के बारे सवाल थी सी माल कम तमें

माल कमाई कितों कमाई हलाल जरिए नाल या हराम जरिए नाल माल का हिसाब बयान कर माल दी कमाई दा हाल बयान कर और जरा माल कम तई माल को इस्तेमाल कित की तई हलाल कमे ते खर्च की तई या हराम कमे ते खर्च की तई शराब पींदा रह गई बदमाशा करें ना रह गई इजत लुटेंदा रह गई लाहौो लाभ मुबतला थी रह गईं गरीबें ते जुलम तेजियाँ करें ना रह गई तकब्बर करें ना रह गई या मेरे दीन पर भी खर्च करें ना रह गई पाई पाई द माह हिसाब ने धके धक्के हिसाब ने पैसे पैसे हिसाब ने रुपए रुपए का हिसाब ने आदम द बेटा तेरे कन के अंदर अगर कोई दीन दन दी गल पै गई है मेरे दीन दी दे बंदे ते कोई दी 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 दीन की गल समझा गए हन ओल मा तें कोई दन का मसला पढ़ा गए हैं दीन वाले लोग जमात वाले लोग दीन की गल समझा गए हन अगर तें तें दीन की कोई गल पहुंच गई है तेरे को कोई दीन दन इलम आ गया हा मैं को दस जितना जानता हाँ ऊ दीन दन की गल अमल कितना की पंच वाले ने जवाब थे तो सोचो साड़े जवाब है अस तो बस गुरूर ही चाहें तकबर ही चाहें मेरे को लगते बंदे को मौत याद है का है ना यार असं मरना ही है अस कबर जंजना ही है अस महल छोड़ के जमीन की मिट्टी में वंच के समणा ही है खाली हाथाएं हैं तो खाली लगे वैसूँ ए नेमता मुक वैसे सहूलत मक सन सहूल आशाय शामुक व्यसन लज्जतं मुक सन शाहवात मुक वे सन ख्वाहिशात मुक सन कई बेचारे बड़े दर्द दिल आख्या तपुर क्यों करें, आ, करें नहीं, गुरूर क्यों करें नई जमीन ते अकड़ क्यों च वह चल दही ए नयमता खत्म थी वेसनी ए नयता जायल थी वेसनी ए लज्जत खत्म थी वेसनी ए खिताजा सारा ख्वाहिशात मुक वेसनी ये दुनिया जै चीजा तेरे हथ चल लगिया वेसन चाली साल जिंदगी मुक वे पंजा साल जिंदगी मुकबी सिल्चार सौ साल की जिंदगी मिल गई ओ भी मुक वेस जिंदगी तेरी खत्म थी वैसे नैमता सारा खत्म थी वैसे सहूलता सारियाँ खत्म थियसन दुनिया जौलतं सारा खत्म थियसन ऐजा हमल खुफूर जनाजनो तवज्जो क्यों करें जनाजा कल कहीं बेदम ढो सी ते वल मेरा जनाजा हो सी जल्द जनाजा चाती वे ना तवज्जो की थी कर अज बेद जनाजे को मूठा दी थी वही कल सारे जनाजे को मूठा दी थी वो सी इवे हे कोई ना असा मरना का नहीं अले नहीं वे कबर च वजना का नहीं उचियाला सरदार वेना पे जरदार वेना पे जिमीदार वेंदा पे आलिम वेंदा पे बुज़ुर्ग वे पे मर्द वेंदा पे औरत वही पईए हर बंदा बंद मिट्टी के मकान लहू रोजाना फरिश्ता तू दुनिया दे अंदर आई रहा आया तू पैदा थई तू पैदा ही मरण वास्ते थई तेरी पैदा इस, तेरी मौत दा पैगाम जरा बंदा पैदा थे जरूर मौत दा प्याला पीसी जरा बंदा दुनिया दे पेट दे अंदर आए जरूर दे पेट अंदर वे महल्लात अंदर रहन वाला नरम बिजने से समन वाला बेहतरीन खाने खाने वाला गरीजे आराम वाला सहूलत को सामने रखन वाला अपने नर्मो नाजक जिसमें बचा बचा के वाला अपनी जिंदगी की हिफाजतन वाला अपने आप को तकलीफें वाला सर्दी त गर्मी कचावन वाला दुख तकलीफ कचावन वाला बीमारी कें इंतजाम दम फोंक फोंक रखण वारा तवजो करे महल ख़ाली थी वेसी एतिरा बिस्तर ख़ाली थी वेसी एतिरा कलीचा ख़ाली थी वेसी एतिरा नरम गद्दा ख़ाली थी वेसी एतिरा सोणा जिस्म लॻा वेसी एतिरे जिस्म ते सोणे सोणे कपिड़े उतर वेसी बहितरीन क़ीमती पोशाकाम बि उतर वेसनि कबर द मकान तयारु कियूं करे

मैं भी मिट्टी ते तू भी मिट्टी हाजी साहब भी मिट्टी तो मौलवी साहब भी मिट्टी फीर भी मिट्टी तो अमीर भी मिट्टी वजीर भी मिट्टी तो गवर्नर ते सदर भी मिट्टी जागीरदार भी मिट्टी मर्द भी मिट्टी औरत भी मिट्टी हस हुसनो जमाल वाला मिट्टी ए नाजौन्न ओन्न मत नाल चलन वाला भी मिट्टी ए तक कबदम चाहन वाला भी मिट्टी ये शीशे द सामने खड़े थी के अपने चेहरे को संभाव वाला भी मिट्टी अमीर मिट्टी गरीब मिट्टी फ़कीर मिट्टी वज़ीर मुशीर भी मिट्टी ना रमने ही कला पाक सचे कुल्लु मन अलैहा फान वजब का वजह रब कजुल जलाल वल इकरा वही एक है जिसको दायम बका है जहाँ की विरासत उसी को सजा है न कोई रहेगा न कोई रहा है जो पैदा हुआ उसने मरना है आखिर यहाँ से इसे कोच करना है आखिर अल्लाह पाक ने कुरानी ऐलान किए कुल्लु मन रब्ब हाफानप का वल जलाकराम सारी दुनिया फानी, फानी है सिर्फ मैं रब रबकि सचे ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕਵੇਸੀ ਆਸਮਾਨ ਮੁਕਵੇਸਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੁਕਵੇਸਨ ਪਹਾੜ ਮੁਕਵੇਸਨ ਬਾਗਾਂਤ ਮੁਕਵੇਸਨ ਸੂਰਜ ਮੁਕਵੇਸੀ ਚੰਦਰ ਮੁਕਵੇਸੀ अंबिया लगे वे सन औलिया लगे वे सन अतकिया लगे वे सन असफिया लगे वे सन जुहात उबरारखियार काफिर तोहमिन लगा कायनात मौत प्याला पी वे अल्लाह दी कसम मुसलमान अल्लाह दिन फलम का जिब्राइल मुकर्रब फरिश्ता जिब्राइल ते मीकाइल मौत इसराफील मौत जरे वेले हर कोई मौत का प्याला पी वे आखिर जन्द्रमला कोत बच वे जरा लोगेत वाला हुक्म पूरा करने वाला ਸਾਹਬਾ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮੇ ਸੀ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਵਨ ਕੁੱਲੁ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਵਜਬਕਾ ਵਜਹ ਰੱਬਕ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਨ ਵੜਨੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸੋਚੂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਸੋਚੂ ਜੋ ਕਬਰ ਜਿਵਨਿਓ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਹਸ਼ਰ ਜਿਵਨਿਓ ਤੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ क्यामतीज वलूं वञूं त कुझु शाया मिल पवे उथो त कोई गर्मी करे बचाओ त इंतजाम थी पवे गर्मी के मौसम के अंदर तू तो मैं अपने जिसम को में गर्मी करें बचे ने है एसी का इंतजाम करें ने हैं पखा लवे ने है कूलर का बंदोबस्त करें ने हैं। जो गर्मी न सारा जिसम खराब थी व क्या मध्य गर्मी का अंदाजा दा क्यों नहीं में करें आसमान वाला सूरज सर त्यासी जमीन इवें हो सी जिमें ताबे बन गई नफसो नफसी का आलामे हर बंद पसीने के अंदर शराब उ कहीं को टखने तीन पसीना कहीं को घुटने तीन पसीना कहीं कुछ सीने ती पसीना कई बंदे पसीने गोते वधे खानदन बच्ची जरा रब दी रहमत रबे दी होशी अल्लाहो अकबर कबीर क्या मत की परेशानी कने बच्ची वो जरा समल बना के घिन गए कबर दी तकलीफ कने बच्ची वो जरा मेहनत करके घिन गए मौत की सख्ती कने बच्ची वो जरा रब को राजी करके घिन गए ابن حبان دی حدیث دی روایت دے اندر میں پڑھھے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جرے والے بندے کو قبر دے اندر رکھے ناں چارے پاسو بندے دے سر تے عذاب آوینن چارے پاس صحیح دا فرمان سچے الواٹ تے مکدا پے سچے سرلے پاس سجے پاس کھبے پاس پیرے پاس پیارے آقا بچاؤ کیویں تھی سی تحفظ کیویں تھی سی دی فے جی یاد نہیں کرونا آیا وا دے کرونا بچو ਇਤਨੀ ਜਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਿਆਰੀਏ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੀ ਹੱਥ ਨੰਦ ਧੋਤੇ ਉਹੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਦੋਮਿਆਂ ਆਤ ਇਤਨੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਯਾਦੀ ਕਰ ਜੋ ਕਬਰ ਤੱਕ ਤਹਫੁਜ਼ ਥੀ ਵੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਕੋਈ ਤਦਬੀਰ ਸੋਚ ਆ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਨੇ ਅਸਲੀ ਤੇ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਤਵਜੂਹ ਹੈ हदीस का खुलासा अलबा करें ना तेरे ते मेरे आका अलसला तो वसलाम इरशाद फरमाए रहमत वाले नबी सच्चे नबी दी सच्ची जुबान जो निकली हुई सच्ची बात है सारा जहान जूठा थी सकते छोड़े मोहम्मद का फरमान गलत नहीं थी सकते। आको सच्चे, सच है उच्चक सच है मिल के अख सच एख सच मदनेरदार नबिया न अच तक पैदा थी न क्या मत तक पैदा थी सी सादक मजदूक नबी सची जुबान चो निकली हुई सची बात है जेरी जुबान वाहजमान सचे पैगंबर ने फरमाए बंदा कबर वेने चारे पासवाजाब आवे

मैं ते को करीब नहीं आवन दी खबे पासो सजे पासो रोज़ दे रोज़ दे कबर दे अजाब को तकलीफ को मैं करीब नहीं आवन ना गर्मी दे मौसम हाड़ते रोज रख आए मैं ते को करीब ना। खब्बे पासो जकत आवेदी है अपने माल दी पूरी पूरी ज़क़ात रब के नाते रिंदा ना रह गए खबरद अजाब आ मैं ते को करीब नहीं भी आवा वही पेर आले पासो सदका आवेंदे बंदा जरा रब के नाते सदका करें दे खैरात करें इनकी वही शान आई इनकी वही फजीलत आई नबी सलाम फरमाए सदका बलामे को टाल देंदे सदका बीमारी को खा वेंदे क्यामत वाले डिमार जल्द साया ना सदका सदक वाले सिर ते अल्लाह के दे अरश ताया दे होशी हाँ सदके का बड़ा फायदा है अल्लाह के नाते डेवर का बड़ा अजर है ਇਹਦਾ بڑا ਫਾਇਦਾ ਹੈ بڑا ਸਵਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਵੈਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਕੂ ਸਮਝ ਅਤਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਕੂ ਸੋਚ ਅਤਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਕੂ ਹਿਦਾਇਤ ਅਤਾ ਕਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਵਸਲਮ ਨੇ صدਕੇ ਦੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤੇ ਰਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਖਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਰੇ ਸੋ ਅਲੇ ਨ ਨਹੀਂ ਵੇ जरे ख़ुदा जान लीती जान कुदरा रब जे नां ते बि खपाया करो खपेसो अलंदे नी वे रोल नी वे बुलेंदे अला पाक त कान ई पिया फरमेंदे जो मै त मोमन लाइ सौदा की थी खणां सचे छिकियल यार इज तोमी अलफ बे पक्की मैंता जान खरीदले क्या करे से बादशाह फरमाए मोमिन मेरे नान देवे मोमिन मेरे नाल देवे मेरा वादा है मैं जान माल दे बदले, बदले जन्नता करे सा जान भी ओहू माल भी ओहूद होया ਤੇ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ ਸੌਦਾ ਮਹਾਂਗਾ ਐ ਸਸਤਾ ਐ ਅਲੇ ਨੀਵੇ ਜਾਨ ਦੀ ਦੀ ਹੋਈ ਉਸੀ ਕੀ ਥੀ ਹਕ ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਕ ਅਦਾ ਨਾ ਹੁਆ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗੀ ਵੰਜੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਨਤ ਦੇਵੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਅਲੇ ਨੀਵੇ ਖੁਦਾ ਮੂਮਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਦੀ ਖੜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੇਸੀ ਮੈਂ ਬਹੀ ਤ ਬਲਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਇਤਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਣ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐ

जंग दे अंदर शामिल थी वे अगर मारा वे ता भी कामयाब जो मरी जाए तावी कामयाबे मैं खुदाई को जन्नत देसा अ फरमाया मैं इंजील इज वादा कि मैं कुरान मजीद इज वादा कि वमन ही मिनल खुदा कने ज्यादा वादा वफा कौन है जरा रब जान माल दे वे वादा है जो जरूर जन्नत देसी बल्कि फरमाए फस्तब शिरू बे बई को मुल तुम बे जै रब दे सौदा कीते जान माल लीतीस बहिष्ट की दिए इकने को मुबारक होवे ये मुबारकबाद के मुस्तह अल्लाह आप मुबार मुबारक पिया दें दे खुशखबरी सुनाओ ये खुशकिस्मत लोग हैं मुबारक लोग हैं जे रब नाल तिजारत की खड़न रब नाल सौदागरी की खड़न रब सौदा की खड़न जान माल दे के जन्नत खरीद की खड़न इन्हें को खुशखबरी सुनाओ अगो फरमाइश वजाल कहूअल फौज उल अजीम वो कामयाबी है अल्लाह तेको मे को तो फीक देना आखिर कोई गाल जो रहमत वाला नबी अपने वास्ते शहादत की तमन्ना बैठा करेंगे दे अगर कोई गाल हो सी, हालांकि क्या मकाम हा जरा खुदा ने अपने महबूब को नहीं अता सारी कायनात की सरदारी अता फरमाइए रसूल रसूलें सरदारी अता फरमाइए खुदा ने अपने महबूब को महबूबियत दर्फ़ अदा किते लेकिन इद्दे बावजूद रहमत वाला नबी अपने वास्ते शहादत बिठा मकते अल्लाह मेरी जान तरे नाते खर्च थी वजे ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੀ ਚ ਨਬੀ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤਰੇ ਦਫਾ ਆਖਿਆ ਲਵਦਿਤ ਤੋ ਅਨ ਉਖਤਲ ਫੀ ਸਬੀਲillah ਸੁਮ ਉਹਯਾ ਸੁਮ ਉਖਤਲ ਸੁਮ ਉਹਯਾ ਸੁਮ ਉਖਤਲ ਸੁਮ ਉਹਯਾ ਸੁਮ ਉਖਤਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇਵਣੀ ਜੋ ਸੁਣਾ ਨਬੀ ਬਿਠਾ ਮੰਗਦੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੀ ਵੰਨਾ वत जिंदा थी वा वद शहीद थी वा वत जिंदा थी वा वद शहीद थी वा वत जिंदा थी वा वद शहीद थी आखिर कुछ चश हो सी ना जी हजरत अब्दुल्ला नबी द सहाबी मैदान जंगा पे हर कोई दुआई मंगता हो सी अब्दुल्ला अजीब दुआ की थी अब्दुल्ला दुआ सुना है हजरत अब्दुल्ला मैदान ने जंग अंदर प्या वे ना हथ चाह रोंदा बैठे लोग आखे देखो तो सही जो अब्दुल्ला रब कने क्या पिया मंगे हजरत अब्दुल्ला दुआ बैठा मंगते अल्लाह मेरा मेरा ये है मैं तेरे नाते लड़ाई करने वास्ते प्या वेना तेरे दुश्मन का मुकाबला करना मेरा मुकाबला आम बंद न करावी देखो तमन्ना है जज्बर देख कोई ये दुआ मंगता हो सी मैं फाते बन के आवान कोई ये दुआ मंगता हो सी मैं गाजी बन के आवं को ये दुआ मंगता हो सई मैं अल्लाह की रज़ा हासिल कर ना को ये दुआ मंगता हो कि अला मैं को जन्नत दे चा अपनी अपनी तमन्ना है तलब का अंदाज़ अपना है लेकिन ई जवानी तलब ज़रा उनका अंदाज देखी अल्लाह मेरा मुकाबला आम बंदे नाल बोल मेरा मुकाबला करामी कहीं वड्डे जिलिम सरकश काफिर तकड़े पलवान नाल करावी ਢਿੱਲੇ ਮਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਚਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਥੀਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਕਹੇ ਝਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੇ ਜਾਏ ਮੁਵਾਹਿਦ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ মুশਰਕ ਕੇ ਜਾਏ ਮੂਮਿਨ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਕਾਫਰ ਕੇ ਜਾਏ ਮੁਸਲਮ ਕੇ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਕੇ ਜਾਏ मेरा मुकाबला कहीं वेलम वेबिर करावी मैं उन्हें उत्ते हमला करा मेरे उत्त हमला करे ता कि अपने तीर तलवार शहीद कर दे मेरे जिसम को छलनी कर दे मेरी लाश मेरा जिसम जख्मी थी कि जमीन तेवे जले मैं जमीन तेवा तेरा वा मुनकि दुश्मन ताफिर व्डा मुशरक बईमान अपने तीर तलवार तंजर तेजे मेरी गर्दन तुरी चलावे मैं को इवें जबह करे जिम्मे बकरी को जब करी दे मेरे जिसम का खून निकले ए तेरी जमीन मेरे खून कने तरब तर थी वे ए मंजर दे के मेरी लाज तड़प दी दे के तू आसमान ते ऐलान करें मेरे मलायका मेरे अब्दुल्ला को देखो अज लिख रहे हो मैं अब्दुल्ला कने राजी थी गई यार तमन्ना देख तड़प देख ख्वाहिश देख शौक देख अल्लाह अकबर कबीर अजीब अजीब लोग हैं सहाबा का अजीब जज्बा हा नबी आलाम रजी के बन्दे आए हन अजय सही साकू अच्छे अच्छे कारी दो आलम दि सा दीन पढ़ावन कुरान पढ़ावे नबी आलम ड बेहतरीन कारी रवाना कर दी थे वह गए रजी एक मकाम है मक्के असफान दरम्यान वह बदआहद लोग हैं गद्दार हैं झूठे हैं बेईमान हैं धोखेबाज हन गिन मजन वाले ने धोखा किते वन के पैगंबर देबा को शहीद कर लग गए एक को कितने बेको कितने बेको कितने बेको कितने बेकुकी हजरत आश्रम कोते को हैं बेकीतने खुबैब बच गए खुबैब खुबैब को घेरना हजरत खुबैब ने उन्हें एक व्डे को मारिया मैदान ए बदरिच बदला बदले खेन देचार हिजरी का वाक्य है हजरत खुबैब रजियाल को घेरना है पिंजरे च बंद किते ने लूहे का पिंजरा मक्के गर्मी शाहरा इलाका तत्ती रेत उत्ते वन के है दे टाइम साहबी को पिंजरे बंद करके सट कहते हैं ये तड़प तड़प के ये सड़ सड़ के मर वे शाम का जिले टैम थे उन बेटी अब गई है देख वास्ते देखा तो सही जो खुबैब का हाल क्या है जल्द वे देखने वास्ते आई है जैनब बन के हाल बयान किए आदि ये लोगों मैं तो अजीब हाल सुना वहाँ मुहम्मद का गुलाम मुहम्मद द साहबी लोहे के पिंजरे अंगूर का ताज़ा खोशा बेटा खा ताज़ा अंगूर बैठा खा दे जैकू खुबैब रब दी कसम है वह जमाने उतना अंगूर हा ही का है ना मौसम ही का है ना। खुबैब ताज़ा अंगूर बैठा खांदे खुबैब ये क्या आपने फरमाए अंगूर बैठा खा कितों आए नंगूर हजरत खुबैबराजियारमाए जेरे खुदा मैं को पैदा किते मेरे रिज का बंदोबस्त आप किते अगर हाजिर बैठी तो मैं इशारे देना जो ज्यादा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते थक पानेजरत खुबैब रजिय सईयेद मरियम रजियह अन्हा दी करामत हाई अल्लाह ने मरियम को बंद विच रिजक दिता हा या मरियम अन्ना ओ मरियम की करामत है ये मोहम्मद शहबी दी सच सच्चे अलवेंदे नहीं वे कुछ नहीं वे बोलेंगे दुश्मन तो था लेकिन ने ये आम आदमी नहीं इंटा कहीं भी जात नाल कुछ ताल्लुक भाया खड़े ये अगर रह गया लोग देख के मुसलमान थी वैसे लिहाजा इको खत्म करो फैसला की तो उन्हें खुबैब को सूली चढ़ा लो चुनाचे हजरत खुबैब रजियान को खेन गए हरम दी हदूत तो बाहर हरम का लिहाज करेंगे हन मुशरक बाहर घिन गए बाजा दिन तन इला का इलाका हा जिथा मस्जिद आयशाए तो हाजी ई तो जा हाई उत जल खेन गए सही खिन गन हजरत खुबैब रजी अल्लाह नको सूरी ते पे चढ़ाइन दुश्मन दर सरदार करीब आया खुबैबा तेरी कोई आखिरी तमन्ना हो में तला सा मेरे प्यारे दोस्तों तुस सोचो अगर मैं हो महा त क्या मंगा हा तुस हो हा क्या खवा कोई आ क्या मैं गो रोटी खवा यार मर्दा त पिया रोटी ते खा के मरा हे कोई आ मैं गो पानी त पिला यार त्रेह लगी है गर्मी दा मौसम प्यासा त न मर हे कोई आख्या मैं को अपनी बीवी तो मुलाकात करा कोई आख्या को, को बच्चे आखिरी दीदार करवा आख्या ना आख्या बोलो यार कोई दुनिया का मुतालबा ना, आख नबी दे सहाबी आशिक साधक दरा जौक देखी हजरत को मैं तह ने फरमाया शख्स अगर कर सकता ही मैं को लोटा पानी दिल चाहे मैं दोगाना नफेल अदा करके रब दा आखरी हक अदा करोक देख जौक देख तेरी जुदा पसंद है मेरी जुदा पसंद तुझको खुद ही पसंद है मुझको खुदा पसंद पानी का लोटा लीते ने जवान वजू करके नफली पिया दे जिले दोगाना पढ़ के हजरत ने सलाम फेरे

हज़रत अबू सुफ़ियान ते हज़रत मुआविया कलमा कोई न पढ़िया इहे उथे ई आए वेग मके जे सरदार जमा आहिनि जो नबीदा सहाबी सूली ते पिया चढ़ंदा सुने पियो जॾहिं हज़रत ख़ुबैब न इहे बदमले आखिय न हज़रत मुआवियाण जल्दी जल्दी ज़मीन ते लेट जो क्य उन जा हिकु तस्वर हा कि जेरे वे कोई बदुआ करे जमीन ते लेट वंजो बच विश हजरत मुआवजिया दिन मैं ये बंदा जरा मौत टाइम ही अपना दीन ते मजहब ते नबी ते कलमा नहीं छोड़ेंदा यूठा नहीं ये सच्चा है इनका दीन ही सच्चा है सुने बैठे हो बार सीरत निगार लिखते जो हजरत मुआवजिया रजी अल्लाह उन्होंने दिल के अंदर इथाओ क इस्लाम की मुहब्बत पैदा थ गई

गल बहुत दूर लगी गई है गल दूर लगी है अल्लाह तेरे नबी को तो पता कोई नहीं सही तो दूर बैठन करीब में ना तो पता लग गया तू डे नहीं तो पता लगते इवे तो पता नहीं लगता अला मेहरबानी फरमा अपने सोने महबूब कुमे खोबैब का हाल पुचा दे मेरे नौ बेसाथियों का हाल भी पहुँचा दे दुश्मन सारे नाल गद्दारी कर रही थी मेरे सारे साथी शहीद थी गए मैं कला बाकी बच गई अज मैं भी शहादत का प्याला प्यापीना मेरा हाल सुने नबी तक पहुँचा दे मेरी खबर नबी सही ती पा दे मेरा आखिरी सलाम ही पुचा दे अल्लाह पाक फरमाए जिब्राइल जी सुन हराब क्या हुक्म है फरमाए जिब्राईल जल्दी वन रोजाना मेरे सलाम मेरे महबूब तई पूछे ना हामे आज मेरे खुबैब दे सलाम ही मेरे नबी तई पुचावा जिब्राइल अलैहि सलाम हजरत खुबैब दे सलाम ते हाल सोने पैगंबर तक पे पहुंचे न ते दुश्मन हजरत खुबैब को सूली ते फंदे ते पै चढ़ए नन बंदा हजरत गल पे किन दुश्मन सरदार फिर करीब आया खोबै बा तमन्ना हो, हो तम तो पूरी कर छोड़ा हजरत खोबैब ने फरमाय कोई तमन्ना नहीं आखन लगा खोबै अगर ते छुड़ा ले पदले तेरे नबी कोई थी लिया वहां बर्दाश कर सकता ईं को हजरत देसी देरत द दे अखा चो आंसू निकल आया रो के फरमाय पतलसी बाह तुबारा ए बकवास न करी खुबैब की जान टुकड़े टुकड़े थी वे काबिले बर्दश

मेरे प्यारे दोस्तों असल तो रब देना ते थोड़ी देर वास्ते वक्त निवाण वास्ते भी तैयार कायनी से चंद भी खर्च करा वास्ते तैयार कायनी से साढ़े को नमाज तो रोजे दा का टाइम भी काय नहीं हज तो उमरे वास्ते पैसा भी काय नहीं सदके खैरत वास्ते भी चार रुपए काये नहीं इन्हें साहबा तबसराबादा करे नहीं जिन्ह रब दे नाते जन लुटा दी चन्न अल्लाह की कसम है पूरी दुनिया इोजी कुरबानी की मिसाल नहीं पेश कर सकती न पीद आशिक सादक सूली देते चढ़ गई आेकिन दुश्मन की हाँ अंदर हाँ

वने खुबैब को सूली ते लहावे ते जन्नत दी सनत खिन वने तू जर जमजी बैठे जो कलमा इमे सौखा साडे को आ गए इस्लामी में में सौखा सौखा ना मेरा सुना बहुत बड़ी कुर्बानी लगी है नबी दे दूस गुलाम साहबी उठो चलियन घोडा दौड़ाने चलदे चलदे थाया पहुचन जले पहुचन हजरत खुबैब रजी अल्लाह नकु सूली ते लटियो दी थी गए हन कितने अलवे और अगली गाली तक को दसा गर्मी का मौसम हो घंटा दू देर थी वे तो बंदे की लाश का क्या हाल होंगे लेकिन जवान कुछ चाली निमार थी सूली तट लटके हो लाश मुबारक जिस मुबारक हजरत खुबैबदाह इवें तरों ताजा हा अल्लाह की कसम जिमें गुलाब की पंखड़ी तरों ताजा हो खुबैबी करामत ज़ाहिर थी ए जवान अनपोचन आदे जले आदम जले असाए है। हैं आशिक जवान लटके खड़े अकबर साहब आदम जले करीब आया सत्तर तीर अंदाज हजरत खुबैब इर्द गिर्द नेजे ते तीर चाके पारा खड़े देने हन जो कोई खुबैब को लहा के कि न मे लेकिन अस जल पहुंचे हैं सारे दे सारे चौकीदार ते नींद तारी थी गई है हजरत खुबैब रजी अल्लाह ते जिस मुबारक को लहाए घोड़े रखिए घोड़े को एड़ लाहीने जैसे घोड़े भजन की आवाज़ आई है वो चौकीदार जागन एक खुबैब गए पिछो भजन हजरत अबीद साहब यादे मैं हजरत खुबैब को झोलीज पा के नाल चई वा हम चले मैंठे जो दुश्मन दब सख्त थी गए तो दुश्मन करीब आ गए ये असा कने खुबैब को खस के खिन सन हजरत साहब यादे मैं हजरत खुबैब को तल ला के जमीन दे रख्या अल्लाह मेहरबानी फरमा अपने नबी देत फरमा नबीद अ साहब यादे मैं हजरत खुबैबी करामत दिखिए जमीन मुंह खोले तो हजरत खुबैब आपे दफन थी गए

हा तिबन अबी हा तिबन अबी बल्त रजी नहीं गलती गई आई इन्हें मक्के आ को खत लिख दी हा हाल डो जो इन्हें दे बाल बच्चे उठाई हैं भाई उन्हें को चलो कोई खबर ही देंव दे चाह मत मेरे बाले को तकलीफ़ पहुँचे ईं जो मैं खबर देस मेरे बालन की निगरानी करे सन चंगा सलूक करे सन इत वास्ते खत लिखबीज उन्हें बस इन खत लिखे अल्लाह नबी को डस दिखे नबी नबीलाम ने हजरत अली को भेजे एक बे बंद जल्दी वो हाथ खत लिखे मुशरक़ीन को हाल इतों तक वो खत एक औरत चाह वेंद फुला मकाम तिलसी वनो खत घिनत अली रजीबेसाथी को नाल लाए वो मकाम त गए खाख का मकाम हा औरत मिल गई है हजरत अली फरमाय किथा पेंदी वो आखि मख आपने फरमाए तेरे को हाथ तेपता खत है ऊे काये नहीं आपने फरमाए हे ऊं आखे काये नहीं आपने फरमाए हे आपने फरमाए मेरे आका ने फरमाए आसमान जमीन टुकड़े टुकड़े थी सकते मेरे पैगंबर का फरमान गलत नहीं थी सकता। तेरे को खत है खत दे च ऊं आखे काये नहीं अगो तो एलिहा कोई आम आदमी तो ना मेरे पीर अली फरमाए खत दे मैं आप तय तक कट की ना। जो घबरा गई है औरत घबरा गई खत लुकाई वी हई बाजादन जो कपड़े च लुकई वधी हई चेल नदी हई बाजादन सिर दे वाले दे छूड़े बदी वी आई हजरत अली खत गिन के आए नबी अलम कौन भी तोने सही पढ़ा पता लगा हाथिप खत लिखे हाथिप सड़ी जाए हाँ तिब क्यों खत लिखी बुखारी शरीफ ही क्या है हजरत आते बस के यारसूल अल्लाह मेरे को अल्लाह की कसम है मैं मुनाफिक नहीं यार रसूल अल्लाह मेरे को अल्लाह की कसम है मैं मुशरकते काफिर नहीं यारसूल अल्लाह मेरे को अल्लाह की कसम है मैं इस्लाम छोड़ के मुर्ताद नहीं थी या। आपने फरमाया हाल क्योंने को लिखे ओ अगर यारसूल अल्लाह लोगों के बाल बचे भी मक्के रह गए मेरे भी रह गए लोगों के बाल बच्चे के कोई ना कोई रिश्तेदार संभालने वाले मेरे बच्चे ने संभालने कोई कहीं ना मैं परेशान हम बच्चे की मुहब्बत का गलबा है मैं चलो एडोद कई हाल उन्हें को कुछ दस ई एतबार नाल मेरे बाले नाल चंगा सलूक करे सन सल। बस ए वजह ही बी वजह कहना नहीं हजरत उमर सही खड़े थी गन। उमर तो वल उमर ही तो उमर हा बुहारी शरीफ हजरत अल्लाह यारे तलवार इजाज़त दे ओ, मैं दी गर्दन लहेना क्यों ना कुछ हाल न

बदरी साहब आए शुरे बदरी चो बदर की लड़ाई भी शामिल थी गए यार अल्लाह बदरी बंदे का क्या मकाम है आपने फरमाए उमर अल्लाह पाक ने फैसला कर दीते जरा बंदा मैदान बदरी शामिल थी गए मैं खुदा ने इन्हें सारे गुनाह माफ कर दीते बदरी जंती बन गए बल्कि अल्लाह फरमाए ए मलूमा माशे तुम अज दे बाद मर्जी करो तो कोई कम नुकसान नहीं देता यानी मतलब है बदरी महफूज थी गए गल समझ आइए वो ऊंची शान अातिब और जे वेले नबी सलाम ने बादशाह ने ममालिक दुनिया के बड़े व्डे रईस को इस्लाम की दावत द खत लिखे उन खत जरा आप मिस्र बादशाह को लिखे शाह मकूकस को खत द काशिद इो हजरत बे और ये बड़ा अजीम आदमी वे तो को हातिब दकाम बैठा दसें अ हाथिबराजी अल्लाह खत चाह के गायन अदन मैं जल्द गियाँ मिसर पता की बादशाह क्या है उन्हें कहीं स्कंदरिया गए मैं स्कंदरिया लगा गियाँ दरिया के किनारे झोंपड़ी हाई और मजा खेलन वास्ते किया बैठा हाँ सैर सयाहत वास्ते पहुँचा हा मैं उन्हें सामने थियाँ वो इशारा की त मैं कासेदा मैं खत चई वाँ ऊँ के बन्दे को छोड़ो हदरत हाथ रजियाल फरमे ने मैं अंदर गियाँ उन्होंने मुलाकात थी कौन आई इं मोहम्मद का गुलाम हाँ किवें आई कासे दा सही खत चा के आया तोरे ना खत पेश करेना ना वो खत पढ़िए इज्जत की दिए उन्हें बाल नबी अलैहिस्सलाम दा हाल दरियाफ्त की तेस मैं कौपड़े पैगम्बर दाल दे हजरत करवाया हजरत पैगम्बर दिशान को बयान फरमाया हजरत तबी दे मकाम ते नबुवत रिसालत को बयान फरमाया फरमायाम बादशाह मकूक ने चंद था एक गल बड़ी अजीब की थी आखन लगा कर तेरा नबी सचाए तेरे लबी सच्चे नबी को मक्के वाले क्यों कट छोड़े आपने फरमाए उन्हें ज्यादा की मुशरकी ने मक्का नबी से को मक्के चो तहू काट छोड़े मेरा नबी तोहीद बयान करें करेंदा शिरकते रसिया है वो दर दर से मत्था टिके दे बुद्धों की पूजा करे सोना मुहम्मद रब की तोहीद बयान करें करेंदा ला एला सचे ला एलाहा, एलाहा। इबादत दे लायक कोई नहीं सजे दे लायक क्याम दे लायक रकू दे लायक आज दी दिलायक कोई नहीं इल्लल्लाह मगर हिकु उन्हें कोई गल चंगी नहीं लगती नबी शईन दे दुश्मन बन गए सारे नबी दा बिया कसूर कोई ना भी गलती कोई नहीं मक्के वाले नबी को निकलन मजबूर कर दिते उ बादशाह मिस्र ने एक अजीब गल की थी तवज्जो मेरे आले पास तो गुनिंद आ गए सारे को बाबा एक अजीब गल की शाह मकूकस दी बड़ी अजीब गल बड़ी काबिल गौर है आ गई हज शब की बरकत ना जा चलो पेश कर छोड़ो। बादशाह है मिस्र ने के बादशाह ने हजरत हातिब को आई खा हातिब मुहम्मद द काशेदू गलत दस आपने क्या? आखन लगा हाँ तो मैं नबी को मक्के वाले कर छोड़े अगर नुमाइंदा तेरे नबी को मके बचो मुशरकें कटीते तेरे नबी उन्हें दलाकत की बदुआ क्यों नहीं की तू मैं हूं जवाब हाजिर करें अला अल्लाह अगो तो नबी का तरबियत याफ्ता हा ना कोई आम आदमी तो ना हा ना वह बंदा हा जिन्हें तजकिया रहमत वाले नबी आप किए कुरान जया सिफत बयान आप या फरमें दे वयु जकी हिम वयू अल मोहम किताब वाले हिकमा लोग मेरा नबी पहले पाक करें दे पहले दिलें तस्किया पर करें दे फिर कुरानते हदीज़ का सबक पढ़ें दे दुनिया के उस्ताद फकत तालीम देन लेकिन दिले का तजकिया नहीं करें दे मेरा नबी पहले पाक करें दे पहले दिलें का तजकिया करें दे दिछे कुरानते हदीज़ का सबक पढ़ें दे सोने मुहम्मद के मदरसे जेरा आए नबी ने सारे को पहले पाक बनाए जिन्हें दिल का तस्किया रहमत वाले नबी आप फरमाया हो को कमी दमी है तस्कीिया घट था सफाई नहीं थी बंदे पाक नहीं थे बुलेंदे नहीं वे जिन्हें साहबत एतराज़ करेंगे नहीं को पता नहीं नबी तो एतराज़ थी वे शागिर्द कामयाब उस्ताद कामयाब शागिर्द नाकाम उस्ताद नाकाम कुछ या। उच्ला या यार छिकला या। या यार मिल क्याला यार अल्लाह पाक ने सुने मोहम्मद की नबूत की दलील नबी दे बना के पेश कित मोहम्मद मोहम्मद मैं खुदा ना सच्चा पैगंबरे वल्ली नमाहू अगर तो यकीन नहीं आता मैं खुदा दलील बयान प्या करें उन लोगों को देखो जड़े मेरे मोहम्मद के नाल रल गए मेरे नबी साथी बन गए मेरे नबी दे मेरे नबी दे बन गए मेरे नबी दे तवेदार बन गए नल्ली नमाहू जड़े मेरे नबी देे वेंदे अशिधा

जे वेले बादशाह है मिस्र ने ऐतराज़ किया हातेबा अगर तेरा नबी सच्चा तेरा नबी खुदा नुमाइंदा सच्चा तेरे नबी को मक्के वाले निकाले नबी बदुआ क्यों नहीं की थी मक्के वाले बर्बाद क्यों नहीं थी गए हजरत हातिब बने फरमाए मिस्र दादशाह दा तेरा क्या मजहब है ऊ आखे मैं ईसा मजहब रखना आपने फरमाए हजरत ईसा गुमन दही ऊ आखे मैं हजरत ईसा गुमन ना आपने फरमाए ईसा खुदा द सच्चा पैगम्बर है जकाय ना ऊ आखें ईसा खुदा द स सच्चा पैगम्बरे आपने फरमाया

गल थी कि गहरी अगले बगरी समय सोच करने उच्ची बात थी की कुछ समझ आईए ईसा ने यूज की तबाही की बदो आ की नहीं की थी बादशाह मिस्र दिमाग चकरा गए हैरान तो परेशान थी के आ क्या जुमला नहींसी आख्या जुमला आखिया आखे हा हकीम मैं कुछ यकीन थी गए तू भी हकीम भी हकीमा मैं भी हिकमत आई गल की लेकिन तह जारी गल की मैं गल चकी थी। असल गल है जो वा हकीम तोरा नबी हकीम सचे तक को भेजन वाला हकीम है और सुने मोहम्मद को दा ताज वाला खुदा आप ही हकीम है सच है छिकला मिलक्याला

नबी शान वाला नबी दमाति शान वाली सदन नबी शान वाला नबी दे अहल बैती उच्च ला यार मिलक्याला यार सारा सतीक भी सच्चा फारूक भी सच्चा गनी भी सच्चा त अली भी छिके ला लेकिन ये जुमला नारला हर शे मने के असली हैं नकली नहीं से मने के हर शे मने दे अल्लाह की रहमत नाल सा कलमा असली सादा कुरान मजीद असली सादा नबी असली नबी द हर फरमान असली नबी असली नबी द सुन्नत असली सोना नबी असली नबी द मक्का भी असली नबी द मदीना भी असली सोना नबी असली नबी द सुन्नत असली सिद्दीक असली फानूक असली गनी असली अली असली हसन असली हुसैन असली नबी दला बिल भी असली बिल अला यार हजरत बिल छिक्य ला यार हजरत भी पाक पैगंबर असली नबी नबीद हर सुन्नत नबी नबीद हर ऐलान ते हर फरमान चिक्यालाम बेसुनती वसुनत सुने पाक पैगम्बर ने फरमाया लोगो मेरे तरीक़े को मजबूत पकड़ा है मेरे खलफा दे तरीक़े को मजबूत पकड़ा है मेरा तरीक़ा भी सुनत मेरे खलफा दरीक़ा भी सुनत अबू बकर तरीक़ा सुनत उमर फारूक दरीक़ा सुनतान कनी दरीक़ा सुनत पीर अली दरीक़ा भी सुनत एक कुरान मजीद मौजूदा जमान करण वाला सिद्दीक अकबर है सच्चे छिक क्या ला यार मिल के ला यार जोनर यार मुनरीन जक़ात के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना वाला सिद्दी के अखबार मुतद्दीन के खिलाफ जिहाद करा सिद्दीक़ी अखबार हजरत अबू बकर हर फैसला सच्चा हजरत अबू बकर हर बात सच्ची अल्लाह दी कसम मुसलमान हो सिद्दी के अकबर ने मुर्तदीन के खिलाफ जिहाद का ऐलान किए हजरत अबू बकर लश्कर देर पहला पहला सिपाही बढ़ के बनने वाला मेरा पीर अली उलमुरतदा आए ना हजुल बलागत चाहे मेरे पीर अली फरमाए जिले सिद्धी के ऐलान किते मैं अली अबू बकरदसी सिपाही पढ़ के नाल टुर पे सचे छिक ला जोर अला मिलके ला छिक लाह जरत सिद्दी को सुने नबी ने आप मंबर तड़ा किया आप ते खड़ा किया आप इमामत मंतखब किया सुने नबी ने सिद्दी को आप उम्म द इमाम बढ़ाया हजरत पैगंबर नबी दे ते आया हजरत नबी दे सामने कई दिन तक इमामत करा के शहाबाद इमाम बन के दिखाया हजरत नबी ने मलहना फरमाया हजरत अबूबकर इमामत उमर मुक्त दिए हजरत अबू बकर इमाम हजरत उस्मान मुक्त दिये हजरत अबूबकर इमाम हजरत अली मुक्त

कितना उतो पैगंबर दोहर है उम्र तरीका सुन्नत है इनका मतलब भी तरा भी सुन्नत सच है ला जोनर ला मिल क्या ला हजरते उमान ए गनी जुमे की डूझी अजान का ऐलान फरमायतों पैगंबर द फरमान नाल आ गयामान का तरीका सुन्नत है इतों मालूम थी जुम्मे की डूझी नहीं समझ आई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तुमने बाग़े खिलाफ़ जिहाद का ऐलान कीता इतों मालूम थी दे अली थींदेद तरीका अली जलीद फरमान हो ज